तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान तक में आपका स्वागत है सर। आज आपने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के दौरान अपार जनसमूह, जो विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो प्रेम उमड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके काजे धन्यवाद। अब जनता तो आपने पूरी आने नहीं दी, उससे पहले मेरा फोरम का समय था और रात को हम आए हैं 9 बजे बाड़ी, और ना हमने किसी से कोई तैयारी कर पाए। जो लोग हमारे आते हैं शुभ चिंतक, वो सब लोगों को सूचना भी नहीं पहुंच पाई है। तो जनता तो भैया आपने देख ली कि क्या रोक, और काफ़ी बात दिखा चुके हम जनता की ताकत को। मुख्यमंत्री जी खुद हर बार मीटिंग करने के लिए आए हमारे यहाँ, उनको सब मालूम है कि कितनी भीड़ रहती है बाड़ी के अंदर, सब पता नहीं। जो अभी इस रात कैंप के दौरान सीएम अशोक गहलोत का यहाँ दौरा था, तो उन्होंने बोला था कि राजस्थान का जादूगर मैं हूँ और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जादूगर गिरिराज सिंह मलिंगा है। तब वो तो मैं आपको बताऊं, जादूगर मैं तो नहीं हूँ, जादूगर तो सब जनता बैठी है। ये मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सब इनके सहयोग से, इनकी मदद से ही मैं आगे चल रहा हूँ। और इनका सहयोग नहीं होता तो मैं ना तो जादूगर बन पाता बाड़ी में, और ना मैं इतनी कोई सभा कर पाता, और ना मैं कोई इतनी बड़ी मीटिंग कर पाता, और ना मैं 3 चुनाव जीत सकता। तो जो कुछ है वो जनता की देन है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होता है। आपने विधानसभा क्षेत्र से 3 बार हैट्रिक लगाया है, तो आज जो आपने नामांकन दाखिल किया है, तो वो किस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है? मैंने जो हर साल करता वो ही किया है। हर साल मैं एक कांग्रेस से भरता और एक निर्दलीय भरता, तो हर बार मैंने यही भरा है। ये नहीं कि कोई अब की बार नया किया हो। अब वाले मान करें चलो कोई संबल लेट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो एक निर्दलीय एक पार्टी से मैंने हमेशा ही भरा। क्या कांग्रेस पार्टी ने आपकी जो सूची है वो आपके कारण रोक रखी है, कब तक आने की संभावना है? और सूची की तो मुझे मालूम नहीं, तो उनको ही पता होगा वो कब सूची निकालेंगे, उनके हाथों में, मेरे में तो है नहीं निकालना, कब निकालना। जिस 5वीं जो सूची जारी हुई थी, तो आपके जो सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे वो सड़क पे आ गए थे, तो लोग तो अभी सड़क पे आएंगे। अगर कोई गड़बड़े होगा तो वो तो जब पता पड़ेगा लोगों को, अभी तो कुछ भी नहीं आए। जब आप देखना जब आप क्या हुआ, क्या गुटबाजी के चलते ये सारा कुछ हुआ? अब ये तो सब गुटबाजी तो होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कोई। यार वो कहते ना कि दूध देती है ना वो भैंस, उसकी सब सेवा करती है, उसको बढ़िया तो खूब नहलाएंगे, पानी पियाएंगे, बाट भी खवाएंगे, सानी करेंगे उसके काजे, कैसे वो दूध दे रही है ना। और जो बिना दूध की भैंस होती है उसको कोई कुछ भी नहीं करता है। जा भाई अपने जंगल में चर के नहीं आ जा, भूखी है कि प्यासी कोई नहीं पूछता है, तो सब अपने आप पूछ लेंगे। राजस्थान की बात करें, विधानसभा चुनाव है, 25 तारीख को मतदान होना है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी क्या? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। कैसे सरकार ने काम किए, बहुत अच्छे अच्छे किए। मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल में जो नेतृत्व तो में सरकार चली है, अच्छी चली, अच्छा विकास कार्य हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा विकास हुआ। नहीं, सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं चल रही थी आपके पार्टी बदलने को लेकर के। कांग्रेस से सूची नहीं जा रही सोशल मीडिया पे, कैसे? मैं अभी तो जनता ही में गिरा हुआ हूँ, आपको मालूम है, तो जब उसके बाद हम बात करूँ। हमारे साथ मौजूद थे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र गिरिराज सिंह मलिंगा। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के सिंबल पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता
बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जादूगर है। मेरे साथ है उमेश मिश्रा धौलपुर राजस्थान तक।